तन तन सतगुर जुगो जुग अटल शब्द गुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की हजूरी विच जुड़ बैठे संगी जी नूं गज के फतेह बुलाओ। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। मैं कोई बुलारा तो नहीं पर गुरमुख वीर वालों अते होर सज्जना वालों बेनती हुई सी कि जम्मू के वीर वालों मैं इत्थे आके संगतां दे दर्शन करा क्योंकि शहीद भाई जसजीत सिंह जी जो कि साड़ी जान पछाण दे सन मेरे तो उम्र तो काफ़ी वो छोटे सन पर उन्हां नाल लेड़ता साड़ी सीगी ते वो किस सोच के मालिक सीगे उहदे बारे मैं शॉर्ट दे विच अजे थोड़ा चानना पावां ते उत्थे गल वाजिब बनती है। अज जिथे इस प्रोग्राम दे विच सिख कौम दे उगे विद्वान महान चिंतकां ने अपने बड़े ही डूंगे विचारां नाल आप जी दे नाल सांझ पाई है उत्थे डॉक्टर सुखप्रीत सिंह जी उदोके उन्होंने अगला प्रोग्राम रखना है उन्होंने जरूर सुनियो। तो अज जिथे महान शहीदी दिवस दे विच असी सिख राज दे पहले बाणी पहले जरनैल बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं याद कर रहे हैं उन्हां दे महान संघर्ष जिन्हां ते सारिआं नूं माण है सानू भी माण है। सानू माण इस करके नहीं क्योंकि वह जम्मू के जमपल सन माण इस करके है कि वह आखिरी साह तक गुरु के बंदे बन के रहे गुरु के सिद्धांत नाल जुड़े रहे आखिरी दम तक उन्होंने गुरु का पला नहीं छड़िया। पर वक्री गल है कि इतिहासकारा ने उन्होंने नाल बेइंसाफी बहुत हद तक की है जो किसी हद तक अज बाबा जरनैल सिंह भिंडरांवाले नाल भी वो साडे विद्वानों वालों की गई जो अज भी किसी ना सीधे या सीधे तौर पर जारी है। तो मैं गल करा जिथे अज असी उन्होंने महान सूरवीर जरनैलों याद कर रहे हैं उत्थे 84 के घल्लूघारे दे विच समूह शहीदों असी समर्पित हाँ उत्थे नाल दे नाल 20वीं सदी के महान जरनैल बाबा जरनैल सिंह जी भिंडरांवाले भी असी उन्हां दी शहादत नूं प्रणाम करते हाँ। तो नाल दे नाल नवीन शहीद भाई जसजीत सिंह जी जम्मू वालों भी असी अज याद करने लिए एकत्र होए हाँ। जिथे शहादत की गल तुरदी है तो सब तो पहला नाम शहीदां दे सरताज पंजवें पातशाह गुरु अर्जन पातशाह का नाम आउंदा है। तो जे सिख कौम के इतिहास के वल झात मारीे गहराई दे गहराई दे विच जाके घोखीए विचारीए पड़चोलीए असली इतिहास की मैं गल करा क्योंकि नकली इतिहास अज बहुत वक्रे तरीके दे नाल साडे सामने पेश किया जा रहा है। और नकली इतिहास का मैं जिक्र इस करके कर रहा क्योंकि सरकारां कदे नहीं चाहुंदियां जालम सरकारां कदे नहीं चाहुंदियां कि वह जो जुलम करन वह सच दुनिया के सामने आ सके इस तरीके क्योंकि उन्हां दा सच जो सामने आएगा तो वह कदे दुनिया तो छपे नहीं रहणगे इस करके वह असिधे जां असिधे तौर दे नाल अपना सच लुकाउण दे हथकंडे वरते रहिंदे ने। उहदी ताज़ा मिसाल तुहाडे सामने मैं पंजाब 1984 दिलजीत की मूवी की गल जरूर जिक्र करा जिदे विच साडे नौजवानों नूं ते साडे बहुत वडेरियां नूं भी भरमा दिता गया भी पता नहीं किदां दी मूवी आ गई है भी पंजाब का इतिहास आ गया 84 का इतिहास आ गया पर सानूं पता नहीं लगा कि किदां साडे सूरबीरां योध्यां ने जिहड़े असली योध्यां ने कुरबानियां दित्तियां उन्हां नूं उत्थे कातल ते शराबी साबित किया गया। गल गहराई नाल विचारन दी है। इसे तरीके दे नाल अज एक होर मूवी आई जिहदे विच भगत पूरन सिंह जी जिन्हां ने वह लैटर जिहड़ा वह गवर्नमेंट नूं लिखिया सी उस मूवी दे विच भी उस गल नूं बड़ा ही घुमा फिरा के पेश किया गया ते इस गल नूं भी बड़ी गहराई दे नाल घोखण दी लोड़ है। ते गल मैं इस तरीके नाल करां कि जिथे असी अज उन्हां शहीदां नूं याद कर रहे हां गुरु अर्जन पातशाह तों बाद असल इतिहास की गल करिए तो दौर शहीदियों का शुरू होंदा। सिख कौम का इतिहास घल्लूघारियां ते शहादतां का इतिहास है। तो शहादतां का दौर जो चलिया वो अज तक चलिया आ रहा वो दौर 4 जून 2015 तक अज तक चलिया आ रहा है। इस गल बड़ी गहराई दे नाल ध्यान देने की लोड़ है। आगे हुई स्टेज वालों के शॉर्ट में मैं समाप्ति करा 2 मिनट मैं होर तुहाडे तों बेनती चाहुंदा कि वह दौर क्यों चलिया आ रहा ते साडे ही सीने दे गोलियां साडे महान शहीद साडे सतगुर पातशाहां दी शहादतां तों लैके अज तक शहीदियां सिख कौम दीआं ही क्यों हुंदियां आ रहीआं ने सिखां दे सिरां ते ही क्यों गोलियां वजदीआं ने इस गल नूं बड़ी गहराई दे नाल वाचन की लोड़ है क्योंकि इक्को कारण है
कारण बड़ा स्पष्ट है कि जो सिद्धांत गुरु नानक पातशाह ने गुरु गोबिंद सिंह जी तक जो पद चिन्ह सिखा सिख जिहड़े पद चिन्हां ते तुरे उह सिद्धांत इको सी कि असी ना बराबरी का जिहड़ा असूल है जो दुनिया ते जो कूड़ राज जो स्थापित करना चाहते ने वह पखंड धर्म स्थापित करना चाहते ने ना बराबरी गरीबी अमीरी का वितकरा जात पात का वितकरा दुनिया में लागू करना चाहते ने उसका मुकाबला करने शहादतों का दौर सिखां दा तुरिया ते इको एक कारण है कि सिखां दे सिरां विच अज भी गोलियां वजदियां ने क्योंकि जालम सरकारां दा सामना सानू पंजवें पातशाह ने करना सिखाया जो अज भी जारी है ते यही कारण है इस गल की गहराई नू समझण की लोड़ है। ते अखीर विच मैं इको बेनती करना चाहूँगा कि शहादतों की गल जिथे तुरदी है असी आम तौर पर कहने भी जिथे दुलदा खून शहीदां दा तकदीर बदलदी कौमां दी ते अज उसे तकदीर नू बदल लई इस गल नू बिना शक मनना पएगा कि भाई जसजीत सिंह जम्मू वालियां दा खून जिहड़ा डुलिया है वह कौम की तकदीर बदल लई ही डुलिया है। सानू हुण गहराई नाल समझना पएगा कि तकदीर बदल लई शहीद तां अपना फर्ज निभा गए ने साडे बल्ले की जिम्मेदारी है सानू परसनल लैवल ते ते पंथक लैवल ते इन्हां गल्लां नू बड़ी गहराई दे नाल वाचना पएगा घोखना पएगा स्वै पड़चोल करनी पएगी कि कित्थे कमी है कि साडी कौम दे विच की गिरावटां आ रहीआं ने बहुपक्षी अध्ययन की लोड़ है और बहुत सारे पहलुआं ते बड़ी ही गहराई दे नाल इत्थे बहुत ही उच्च पद्धर के विद्वान भाई हरिंदर सिंह जी सिख रिसर्च इंस्टीट्यूट वाले साडे सामने बहुत सारे जिहड़े तरीके सानू दस के गए ने जे असीं उहनां ते चलांदा उदम करिए तां ते बेनती इको है इस गल नूं मैं बड़े मान नाल कहिंदा हाँ कि जम्मू कश्मीर दे विच बहुत वड्डी गिणती दे विच जागरूक सिख इस आस नाल हर दिन यत्नशील हन कि सिख कौम एक प्लेटफॉर्म ते एकता दे नाल इकट्ठी होएगी ते कौमी घर दे अपने सुपने नूं एक दिन जरूर प्राप्त करेगी। ते उहनां दा आधार असीं तिन गल्लां नूं मन के चलदे पए हाँ कि साडा रहिबर ते साडी रहनुमाई सिर्फ ते सिर्फ साडा सिर जिहदे अगे झुकेगा उह केवल गुरु ग्रंथ साहिब दूजा आधार साडा सिख रहत मर्यादा जो कि सानू एक प्लेटफॉर्म से छोटे मोटे झगड़िया तो बचा के सानू एक थां ते लियाउण वाला वह आधार है। तो तीजा आधार है जो कि सानू बामणी झूले तो कढ़न वास्ते सिख पंथ की वक्री पछाण का प्रतीक नानक शाही कैलेंडर 2003 असी इन्हां तीन गल्लां ते पहरा दिंदे हाँ। मैं आखिरी विचार रख के माफ़ी चाहुंदा हाँ स्टेज तो मैं एक गल इत्थे जरूर जिक्र करना चाहा क्योंकि वख वखरे विचार जिहड़े ने वह जम्मू तो भी सामने आए सी ते पर मैं इत्थे गल स्पष्ट करना चाहवां कि पंजाब दे सिखां ने जम्मू कश्मीर तो बाद चाहे वह यूके तो होण कैनेडा न्यूजीलैंड आस्ट्रेलिया या USA तो जिस भी तरह की तन मन धन जो भी मायक सहायता या किसी भी तरह की सहायता उत्थे इन्ने छेती दिनों में पुजी है वह इस गल का सबूत है कि खालसा पंथ एक है। खालसा पंथ ना पहला बंडिया गया सी गुरु ग्रंथ नूं समर्पित खालसा पंथ कदे भी जातां पातां बरादरियां दे इलाकावाद विच नहीं वंडिया जाएगा ये इस गल का सबूत है। समूह खालसा पंथ की शलांघा जिन्नी की जाए उन्नी घट है कि असी सबूत दिता है कि असी जात पात दे विच असी जट भापे लवाने कश्मीरी मुजफ्फराबादी पुंछी दे विच वंडे नहीं होए पर अज उन्हां गल्लां तों सुचेत होण दी लोड़ है कि किस तरीके दे नाल सानू बरादरियां विच वंड के सानू खेरू खेरू किया जा रहा है। आओ असी सारे गुरु ग्रंथ साहिब जी दा लड़ फड़िए ते गुरु ग्रंथ साहिब जी दी बाणी नितनेम करना सब कुछ जरूरी है लंगर भी छकना जरूरी है पर केवल रस्मी लंगर छक के घर ना तुर जाइए नितनेम करिए पर गुरु ग्रंथ साहिब जी दी आइडियोलॉजी गुरु ग्रंथ साहिब जी दे शब्द दी विचार नूं अपने जीवन दा आधार बनाइए ते इन ही शब्दां नाल किमां दा जाचक हां कुलचिक दी किमां वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।